आइए हम थोड़ा सा आपको एक दिखाते हैं पीवी डायग्राम, क्लियर है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप हेडिंग देख सक आप हेडिंग दे सकते हैं क्या, पीवी डायग्राम फोर शॉर्ट में हम लिख रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विदाउट क्लीयरेंस वाल्व, क्लियर है ना, विदाउट क्लीयरेंस वाल्व, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, हम पहले ही बात कर दिए थे कि हम यहां पे दो तरह से बात करेंगे, विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम और विद क्लीयरेंस वॉल्यूम, क्लियर है। विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम का मतलब हम आपको बता दिए थे कि हेड और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो इनर डेड सेंटर के बीच जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो यहां पे हम उस स्पेस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए आइए देखिए यहां पे डायग्राम, सपोज दैट कि ए आपका पीवी डायग्राम है, दिस इज आवर पीवी डायग्राम, ठीक है ना, दिस इज आवर पीवी डायग्राम, क्लियर है। अब इस पे क्या है कि अब हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं किस प्रोसेस से, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको बना देते हैं तो समझने में आपको इजी होगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा शॉर्ट में बना रहे हैं, है ना, ज़्यादा हम डिटेल्स में आपको यहाँ पे नहीं इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं। सपोज दैट ए आपका जो है पिस्टन है और ए सिलेंडर है, क्लियर है ना। ठीक है, ए आपका पिस्टन है और ए सिलेंडर है। इधर का मैकेनिज्म हम आपको बताए थे उससे हमको भी कोई जरूरत नहीं है, है ना। इधर आपका जो मैकेनिज्म है उससे मुझे जरूरत नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, है ना। सपोज दैट कि यहाँ पे आपका क्या है, तो आउटर डेड सेंटर है, आउटर डेड सेंटर है ओडीसी, क्लियर है ना। समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो हम डायग्राम है वो हम आपको कंप्रेशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस से, क्लियर है। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दें तो समझने में ज़्यादा इजी होगा। आप सक्शन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि हम कहाँ से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए, हम बताए थे आपको कि कंप्रेशन कब होगा, तो यहाँ पे आपका जो है वो सक्शन बल्ब होता है, यहाँ पे डिस्चार्ज बल्ब होता है, यहाँ से सक करता है, यहाँ से डिस्चार्ज करता है, है ना। तो पहले सक्शन कंप्लीट होगा यहाँ तक, क्लियर ना, सक्शन प्रोसेस। और अब यहां से जब मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जो हमको डिफाइंड होता है दैट इज क्या, कंप्रेशन प्रोसेस, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम आपको जो है कंप्रेशन प्रोसेस दिखा रहे हैं। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो सबसे पहले वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और क्या करेगा जी, तो मेरा जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कहां पे, दिस इज फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस में, क्लियर है ना। तो आइए सपोज दैट कि जो आपका पहला पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट वन है एंड दिस इज पॉइंट टू, एंड दिस इज पॉइंट टू, है ना। और ये वन टू टू हम क्या मान रहे हैं, कंप्रेशन प्रोसेस, क्लियर। फिर से हम बता रहे हैं कि सपोज दैट ए पॉइंट वन है, मान लिया कि जब आपका पिस्टन यहाँ पे है ना, तो ए आपका पॉइंट वन है, फिर आपका यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। देखिए यहाँ पे पॉइंट वन है, यहाँ पे पॉइंट टू है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वी वन यहाँ पे और पॉइंट टू पे वी टू यहाँ पे, तो आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है। प्रेशर के बारे में अगर हम पूछे तो ए पॉइंट वन है तो यहाँ पे आपका प्रेशर है पॉइंट वन पे, पॉइंट टू पे प्रेशर कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया, तो प्रेशर आपका क्या कर गया, इंक्रीज कर गया,
क्लियर है। तो पहला एक कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, दैट इज 1-2। क्लियर है, हम क्या बोले कि कंप्रेशन प्रोसेस में मेरा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही सिस्टम का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से एबव होगा, मेरा सक्शन वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और डिलीवरी वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अब जैसे ही आपका डिलीवरी वाल्व ओपन होगा, यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि 1-2 कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद अब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ए जो आपका होता है, दिस इज डिस्चार्ज, है ना, 2-3, दिस इज 3 एंड दिस इज डिस्चार्ज। हम आपको बताए थे कि थ्रू आउट द डिस्चार्ज मेरा प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि आपका ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये प्रोसेस कैसा है, एट कांस्टेंट प्रेशर 2.2.3 का प्रेशर क्या है, सेम है। तो ये आपका एट ए कांस्टेंट प्रेशर डिस्चार्ज आपका डिफाइंड होता है। आप लिखते भी चलेंगे कि दिस प्रोसेस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस। क्लियर है ना। और कैसा कंप्रेशन, तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये पॉलीट्रॉपिक है, मतलब पीवी पे पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। मतलब क्या हो गया, दिस इज पॉलीट्रॉपिक, पढ़े होंगे आप लोग, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि ये कुछ भी हो सकता है, पॉलीट्रॉपिक भी हो सकता है, आइडियाबेटिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा जो प्रोसेस है वो कैसा है, कंप्रेशन प्रोसेस कैसा है, पॉलीट्रॉपिक है। अंतर क्या होता है, सिर्फ एन का वैल्यू चेंज हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे एन है, वहाँ पे आइडियाबेटिक में हम लोग गामा कर देते हैं, और आइसोथर्मल में कितना हो जाता है, एन का वैल्यू 1 हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये मेरा जो प्रोसेस 1-2 कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, दैट इज पीवी पे पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कैसा हम मान रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक। एंड 2-3 जो मेरा होगा, ये क्या डिफाइंड हो जाएगी, ये आपका डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डिफाइंड होगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर, है ना। 2-3 प्रेशर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट हम बात करें, है ना। तो अब मेरा जो है ए कहां पे आ जाएगा, देखो समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, एक कंफ्यूजन आएगा 3-4 में थोड़ा सा, है ना, कि अब जो है डिस्चार्ज कहां तक होगा। तो ये पिस्टन मूव करते रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्चार्ज होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, और यहां पे आ जाएगा, पूरा डिस्चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना। और पूरा डिस्चार्ज कंप्लीट होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा फिर बैक मूव करेगा, जैसे ही थोड़ा सा फिर बैक मूव करेगा, सडनली जो है सिस्टम का प्रेशर क्या करेगा, फॉल डाउन करेगा, सडनली डाउन करेगा। बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए आपका 3-4, आपका 3-4 जो है ये सडनली प्रेशर क्या करेगा, आपको डाउन होगा। फिर से समझिए, हम क्या बोले, अभी तक जो डिस्चार्ज हो रहा था तो डिस्चार्ज कंडीशन में क्या था कि सिस्टम के अंदर का प्रेशर हाई था, तो आपका सक्शन डिस्चार्ज वाल्व क्या था, ओपन था। क्लियर है। लेकिन जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा जब आपको बैक होगा पिस्टन, है ना, तो यहां पे सडनली प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये 3-4 आपका सडनली प्रेशर डाउन होगा। फिर क्या होगा कि थोड़ा सा वो डाउन होने के बाद जब आपका इसके अंदर का प्रेशर एटमोस्फेयर से लो हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो फिर से यहां पे आपका क्या डिफाइंड हो जाएगा, सक्शन प्रोसेस। क्लियर है ना। तो फिर से आपका जो है ये तो 3-4 सडन प्रेशर डाउन हो गया, फिर यहां पे आपका क्या डिफाइंड हो जाएगा, सक्शन प्रेशर प्रोसेस। और सक्शन प्रोसेस जो है, थ्रू आउट द सक्शन जो है आपका प्रेशर फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो थ्रू आउट द सक्शन, है ना, थ्रू आउट द सक्शन मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। तो दिस इज सक्शन प्रोसेस, दिस इज सक्शन, है ना। और सक्शन कहां पे होगा, फिर से एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा कंप्लीट एक डायग्राम था, पीवी डायग्राम, है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पे हमको 3 तरह का प्रोसेस देखने को मिला, है ना। पहला 1-2 कंप्रेशन प्रोसेस, 2-3 डिस्चार्ज प्रोसेस। इसका हमको यहां पे कोई सिग्निफिकेंट नहीं बनता है 3-4 का। फिर हम कहां पे आ जाएंगे, दिस इज 4,
है ना, 4-2-1 एंड दिस इज सक्शन प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक कंप्लीट साइकिल डिफाइंड हो गया। क्लियर है ना, अब एक कंप्लीट साइकिल डिफाइंड हो गया तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर पे, वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वो हम कैसे निकालेंगे, है ना, और उसका वैल्यू कितना आएगा। क्लियर है ना, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और हम आपको और समझाना चाहते हैं, है ना, वो समझिए। कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ देता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। देखिए क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि अगर हम बात करें 1-2-2 कैसा प्रोसेस है, कंप्रेशन, और 1-2-2 जो कंप्रेशन प्रोसेस है उस ड्यूरेशन में क्या होता है, तो आपका जो सक्शन बल्ब है वो भी क्लोज होता है और आपका जो डिस्चार्ज बल्ब है वो भी क्या रहता है, क्लोज रहता है। क्यों, समझिए यहां पे, जैसे ही ये सक्शन कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वैसे ही अंदर का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, किससे, एटमॉस्फेयर से। आपका ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है, ओपन क्लोज हो जाता है। क्लियर है ना, कहने का मतलब है कि जो आपका प्रोसेस है 1-2-2 कंप्रेशन प्रोसेस, इस ड्यूरेशन में आपका जो बल्ब है वो आपका दोनों बल्ब क्या रहता है, क्लोज रहता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए डिफाइंड होता है लेकिन थोड़ा देर के लिए होता है ना। और इसीलिए हम 1-2-2 जो प्रोसेस है इसमें जो वर्क देना पड़ता है 1-2-2 के लिए, उसको हम लोग जानते हैं, है ना, क्लोज वर्क के नाम से। क्लोज वर्क इसलिए कि ये जो आपका देगा, है ना, वो उस समय में, है ना, 1-2-2 में जो वर्क देते हैं उसमें मेरा दोनों बल्ब क्या रहता है, क्लोज रहता है। क्लियर है ना। सिमिलरली 2-3 में क्या रहेगा, तो डिस्चार्ज बल्ब आपका ओपन रहेगा। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज कब होगा, जब डिस्चार्ज बल्ब ओपन रहेगा, है ना। तो 2-3 को जो है हम लोग ओपन वर्क बोलते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज यहाँ पे क्या रहता है, ओपन रहता है बल्ब। फिर सक्शन में क्या रहेगा, तो सक्शन बल्ब ओपन रहेगा। तो 4-1 मेरा क्या है, सक्शन प्रोसेस है, तो सक्शन प्रोसेस में भी सक्शन बल्ब ओपन रहता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिर से ओपन वर्क, जो यहाँ पे हम लोग वर्क करना पड़ता है। हम कल निकालेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हम अलग अलग वर्क निकालेंगे, तो ये आपको जो है वो डिफाइंड होता है। क्लियर है ना। तो ये हम आज यहाँ तक आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में है जो हमको कितना वर्क देना पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। एक चीज और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो साइकिल आपका बन रहा है, देख रहे होंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लियर है ना। और बेसिक थर्मोडायनामिक्स में हम आपको बता दिए हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल होता है दैट इज पावर ऑब्जर्विंग साइकिल होता है ना, और जो क्लॉकवाइज होता है वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, ठीक है ना। तो पावर ऑब्जर्विंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो साइकिल है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए हमको वर्क देना पड़ेगा, है ना, जबकि जो क्लॉकवाइज होता है वहां से वर्क हमको क्या मिलता है, वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, ए वर्क ऑब्जर्विंग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये चीज बेसिक सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखिएगा, बाकी चीजों को जो है हम आपको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक हम आपको डिस्कस कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क इनपुट फॉर द कंप्रेसर, ओके। आप इसको वीडियो को आप डेली बेसिस पे देखिए, है ना, कंटिन्यू देखिए, है ना, और कभी भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप उसको प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तभी आप दूसरे वीडियो पे जाइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, आप दो बार देखिए, तीन बार देखिए। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम है, जो बिगनर हैं, उनको एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप उसको दो तीन बार अच्छे से नोट्स बनाइए, देखिए सारा पॉइंट्स हम आपको नोट डाउन करवा देते हैं। हम बहुत ही आपको, है ना, स्लो वे में हम आपको डिस्कस करते हैं, कहीं से आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, तो उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर आवर टुडे क्लास, है ना। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।